खबर आ रही है जयपुर से जामागढ़ पहाड़ियों में पिछले कुछ दिनों पहले मीणा समाज द्वारा सफेद झंडा फहराया गया था, जिसके चलते विश्व हिंदू महासंघ राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र पुरोहित द्वारा भगवा ध्वज फहराने का प्रण लिया गया। सर नमस्कार। सर सबसे पहले मैं आवाज न्यूज 24 की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि आवाज न्यूज 24 एक ऐसा चैनल है जो कि भारतवर्ष में, अभी तो पहले राजस्थान में था, अभी भारतवर्ष में इसकी चारों तरफ जो है न्यूज आ रही है और साथ ही में आप इससे जुड़े हुए हैं। तो अभी सर हमने देखा कि आमागढ़ की पहाड़ियों में उस वक्त मैं भी आपके साथ थी और हमने देखा कि आमागढ़ की पहाड़ियों में जो शिव पंचायत मंदिर था उसको तोड़ा गया था और तोड़ने के बाद उन मूर्तियों को खंडित करने के बाद इधर उधर उसको डाल दिया गया था। तो कुछ असामाजिक जो तत्व थे उनके द्वारा ये कार्य किया गया था। उस वक्त आप थोड़ा सा मेरे को बता देंगे उस वक्त आपने किस तरीके से वहां जाके क्या कार्य किया? सबसे पहले आपका आभार, आपकी न्यूज चैनल का आभार। उस समय जब हम लोग आमागढ़ गए थे उस समय आप भी गवाह थे, आपका न्यूज चैनल साथ में था जी। वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट नगर इंचार्ज थे गयासुद्दीन, वो पहले तो FIR दर्ज नहीं कर रहे थे जी। फिर लोगों ने मुझे बताया तो मैंने हाथों हाथ FIR दर्ज करवाई। दो दिन तक उन्होंने जब FIR की कोई भी मतलब उसका वजूद नहीं रखा और FIR पे किसी को न तो गिरफ्तारी की न कोई कार्यवाही की। फिर मेरे को लोगों ने बताया तो मैंने DCP अभिजीत सिंह जी को मैंने फोन किया, एडिशनल SP उनको सबको मैंने फोन किया। मैंने कहा कोई कार्रवाई नहीं होगी, हुई है यहाँ पे तो मैं कल वहां का दौरा करूंगा, अच्छा रहेगा आपका पुलिस प्रशासन और आप स्वयं भी वहां पे रहे तो खुशी रहेगी और अच्छा भी रहेगा। तो उन्होंने मेरी बात का सम्मान करते हुए पूरा पुलिस महकमा DCP समेत पूरे इंचार्ज ने पूरे दल बल के साथ में वहां पे अपनी प्रेजेंस दी वहां पे और हम लोग वहां पे गए। उस समय तो जब ये मैंने देखा वहां पे कि मूर्तियों को इस तरीके से खंडित किया गया था जो कि एक हिंदू समाज के लिए बहुत गलत कृत्य था जी। और मैंने ये चेतावनी दी थी कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर इन मूर्तियों को तोड़ने वाले को जो आरोपी है उनको अगर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, थाने का घेराव करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस प्रशासन पुलिस प्रशासन की होगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पे भी आंदोलन करेंगे और हर तरीके से हम लोग दबाव बनाएंगे। इसका ये रहा कि पुलिस प्रशासन ने हमारी बात का सम्मान रखते हुए 2 दिन के अंदर अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, हमें बहुत अच्छा लगा जी। सर सर वहाँ पे मूर्तियां जो थी उनका पुनर्स्थापना हो चुकी थी, उसके पश्चात कहा जाता है कि कुछ जो भू माफिया लोग थे उन लोगों ने वहां जाके अपना एक सिंबल के जरिए एक भगवा झंडा जो है वहां फहराया था, किंतु वहां जो MLA साहब है, मुझे नहीं पता सर शायद हाँ जी रामकेश्वर जी मीणा जी हैं, वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने जो हमारा भगवा झंडा जो कि एक सनातन धर्म का प्रतीक माना जाता है, सनातन धर्म का ही नहीं इवन राम नाम के जितने भी मानने वाले हैं, हिंदू समाज के जितने मानने वाले हैं, जितने सनातनी धर्म के मानने वाले हैं, उन सबका वो प्रतीक होता है, उसको बेरहमी से तोड़ा गया और आमागढ़ की पहाड़ियों से नीचे फेंका गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ कि पहले कुछ जैसे आपने भी बोला कुछ भू माफिया लोग बात कहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि भू माफिया, वो वहां पे जाके भगवा झंडा उन्होंने लगाया, लेकिन उसमें भगवा झंडे में जहाँ ओम या भारत माता या कुछ हिंदू समाज का जो प्रतीक जिसमें जो लिखते हैं उसकी जगह उन्होंने अपने संस्था का नाम लिखा उसमें, जो कि किसी भी तरीके से मान्य नहीं था और उस समाज उसको किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं करता। उनके पीछे कहीं कहीं कोई छुपा हुआ कोई एजेंडा था, कोई लालच था, जमीन रोकने का पूरा एजेंडा था, तो वो उसका विरोध किया, लोगों ने विरोध किया। तो फिर रामकेश जी मीणा जो गंगापुर सिटी के MLA हैं वो वहां पे गए, वहां पे जाके उन्होंने उस झंडे को बेतरतीब से बहुत गलत तरीके से उन्होंने उस झंडे को तोड़ा और फाड़ा और उसको पहाड़ियों से नीचे। अब ये मैं नहीं कहता ये जाने अनजाने में हुआ या जानबूझकर हुआ, लेकिन ये जैसे भी हुआ ये गलत हुआ। मैं और उन्होंने एक चीज और कही कि हम लोग आदिवासी मीणा है वो हिंदू नहीं है, तो मुझे इस चीज पे बहुत एतराज था और मैंने मेरे अपने आप में एक बहुत बड़ा रोष था, पब्लिक में भी रोष था। तो मैंने हाथों हाथ दूसरे दिन
मैंने उनको फोन किया, राकेश जी मीणा को मैंने फोन किया, फोन उन्होंने तीन बार फोन नहीं उठाया, चौथी बार उन्होंने फोन उठाया तो मैंने राकेश जी मीणा को मैंने मेरा परिचय दिया, बोले हाँ सर मेरे पास इसमें आ रहा है, कॉलर आईडी में आपका दिखा रहा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद वाले तो हमें बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा नहीं, आपकी सोच में फर्क है, कहीं कहीं बातों में फर्क है, तो मैं विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय सचिव, मैंने मेरा परिचय उनको पूरा परिचय दिया, मैंने कहा विश्व हिंदू महासंघ का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी। तो ये जो आपने बोला कि ये हम लोग हिंदू नहीं है, तो पहले तो मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हिंदू नहीं है, क्योंकि मेरे कई मित्र हैं जो मीणा समाज से है, वो मैं जानता हूँ वो हिंदू है, और उन्होंने जब मेरे को ये पता लगा तो मैंने उनसे पूछा, भाई मैं आप लोगों के साथ में बैठता था, मैं कोई गलत फहमी था मेरी, यहाँ तो गलत फहमी आप निकाले, तो उन्होंने कहा नहीं हम हिंदू हैं और हर तरीके से हम लोग हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। मैंने कहा ये रामगेश जी को, तो रामगेश जी ने कहा कि हम मैंने कहा आपका स्टेटमेंट था कि हम हिंदू नहीं है, तो क्या आप हिंदू नहीं है, बोले नहीं हम सनातन धर्म से हैं। मैंने कहा सनातन धर्म और हिंदू धर्म में कोई फर्क नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सर एक और अभी रिसेंटली एक हादसा हो रहा है, हमारे माननीय जो कि सांसद भी माने जाते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी, उन्होंने वहां जाके अपने मीणा समाज का जो है सफेद झंडा फहराया, जबकि वहां माना जाता है कि वहां पे पुलिस का पहरा था, वहां पे एक परिंदा भी नहीं भटक सकता था और वहां पे जाने की अनुमति भी नहीं थी, लेकिन जो हमारे श्रीमान माननीय सांसद जी किरोड़ी लाल मीणा जी वो वहां पे गए और उन्होंने अपना अपने समाज का झंडा फहराया। बिल्कुल सही है, उन्होंने जो कृत्य किया वो वास्तव में शर्मनाक है, मैं उनकी बहुत आदर करता हूँ, मेरे सम्माननीय है, और वो मीणा समाज पता नहीं क्यों वो इस दबाव में उन्होंने ये किया, ये तो मैं नहीं समझ सकता। बाकी उन्होंने पहले भी, अभी जब आप भी उसके गवाह थे यहाँ पे सिविल लाइन फाटक पे, उन्होंने शंभू पुजारी की का बीड़ा उठाया था, वो ब्राह्मण था, तो और मैंने तो इनको देखा है, ये हर समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं, और लेकिन इसमें उन्होंने जो झंडा लहराया और मीन समाज का जो झंडा लहराया वो वास्तव में शर्मनाक कृत्य था। वो बढ़िया रहता वो उसमें भगवा झंडा लहराते, साथ में ये भी लहराते, उसका भी स्वागत था, लेकिन इन्होंने कहीं कहीं मेरे को लगता है वो समाज के दबाव में थे, ये दबाव उनको नहीं सहन करना चाहिए था, और उनको वो ही जो अपने पुराने तौर तरीके से जो सर्व समाज को साथ में लेके चलते थे वो ही करना चाहिए था। अब मैं फिर भी, अब अगर उन्होंने ये किया है तो जैसे वहां पे आपने बोला कि परिंदा भी नहीं फटक सकता था, वहां पे कांग्रेस सरकार की इसमें कहीं कहीं मिली भगत है, और उन्होंने वहां पे आपस में मिलके, उन्होंने हो सकता है उनको आकर्षित करने के लिए उनको मिली भगत करके वहां पे पहुंचा के उन्होंने ये कार्य करने की उनकी एक मौन स्वीकृति दी, जो कि बहुत गलत था। तो मैं अब कांग्रेस सरकार से तो कहीं मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वो हमें कहीं न्याय देंगे, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार, चाहे वो हमारे बीजेपी के जनप्रतिनिधि है तो भी उनको, चाहे वो उनको सम्मानजनक दंडित किया जाए या जैसा वो समझे, क्योंकि आम आदमी, जब कोई आदमी गलत कार्य करता है तो आम आदमी और जनप्रतिनिधि में मेरे नजर में कोई फर्क नहीं समझता, जो कि गलत है, ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार इस पे कोई ना कोई एक्शन ले जिससे सर्व समाज को, आम जनता को एक संदेश जाए, एक उदाहरण जाए कि ये जो कोई भी चाहे गलत कार्य करने वाले को सजा दी जाएगी और देनी भी चाहिए। सर जैसे कि हमको और भी कई मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से हमको ये विदित हुआ है कि आपने भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय हिंदू महासभा के, आप राष्ट्रीय सचिव हैं, योगी जी आपके अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया के जरिए हमें ये सुनाई दे रहा है कि आप ये पहल कर चुके हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, या मे भी हो सकता है कि आपने ये प्रण ले लिया है कि आप उस भगवा झंडे को वहां ले जाएंगे और आप वहां पे फहराएंगे, तो हमने ये जो सुना है इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सच है, और आपकी जो भावना है, भावना पे आपकी भावना का कद्र किया जाएगा, ये मैंने प्रण ले लिया है, स्टार्ट भी मैंने ही किया था वहां पे आमागढ़ में, उससे पहले कोई भी समाज और कोई भी नहीं पहुंचा था, आज पता नहीं कि इसका राजनीतिकरण हो चुका है और लोग बाग सिर्फ अपने फायदे के लिए, कांग्रेस अपने फायदे के लिए कर रहा है, कोई समाज अपने फायदे के लिए कर रहा है, जो कि गलत है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक विश्वास दिलाता हूँ
कि हम बहुत जल्द वहाँ पे भगवा झंडा सर्व समाज को लेके, और कोशिश करूंगा उसमें किरोड़ी लाल मीणा जी भी रहेंगे, उसमें रामकेश मीणा जी भी रहेंगे, और उसमें सर्व समाज के जो भी जाने माने जो भी कद्दावर नेता है उनको सबको साथ में लेके सर्वसम्मति से वहाँ पे भगवा झंडा लहराया जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मीन समाज भी अपना झंडा ले रहा है, लेकिन भगवा झंडा सर्वप्रथम भगवा झंडा रहेगा। भगवा झंडे के साथ में सफेद झंडा या मीन इनका मीनेश का कोई भी झंडा है हम उसका आदर करते हैं। और रही बात उन्होंने कहा कि हमारे शासकों ने कि ये मंदिर का निर्माण किया है या मंदिर हमारे शासकों ने बनाया है, वो कहते हैं मीणा समाज कहता है हमारे शासकों ने किया है, एक ब्राह्मण समाज के जो है वहां पे वो कहते हैं कि ये हमें ये हमारी बपोती है या हमारी वो है, तो ये जांच का विषय है, ये कोर्ट के उसमें है, कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। कोई भी हो, मंदिर सर्व समाज का है, मंदिर में जो सर्वसम्मति से जिसको पुजारी रखा जाएगा, जिसको चौकीदार रखा जाएगा, सब उसमें जाएंगे। और मैं साथ में एक चीज का और विश्वास दिलाता हूं, चाहे वहां पे कोई भी एमएलए है कोई भी नहीं है, वहां पे जो रास्ता है वो रास्ता पर्टिकुलर नहीं है, रास्ता वहां पहुंचने लायक नहीं है, तो वो रास्ता भी रोड भी हम लोग चाहे सांसद कोटे से बनवाए, चाहे हमें केंद्र सरकार से कोई भी वो अनुमति लेनी पड़े या राजस्थान सरकार से बनवाना पड़े, हम इसको पूरा पूर जोर कोशिश करके वहां पे रोड का निर्माण करवाएंगे और ये भव्य मंदिर वहां पे होगा, और भव्य मंदिर सर्व समाज की उससे होगा, इसमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं होगा। और हम लोग चाहेंगे कि हिंदू धर्म हमेशा सम्माननीय रहा है और सम्माननीय रहेगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो राष्ट्रीय हिंदू महासंघ है, जिसके राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र घोष जी हमारे साथ आज वार्तालाप पे थे, और इन्होंने हमें मतलब प्रत्येक समाज के लिए कार्य करते रहे हैं, करते रहेंगे, और इसी तरीके से मीडिया भी आपके साथ सर लगा रहेगा, और इन्होंने जो प्रण लिया है वो प्रण भी पूरा होगा। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आवाज न्यूज 24 की तरफ से आपको बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ मेरे बड़े भाई अरविंद जी हैं जो इस होटल के मालिक हैं, वो हमेशा इनका मेरे ऊपर हमेशा हाथ रहता है और ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। अरविंद सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, नरेंद्र सर के बारे में, आप इनसे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं समाज के लिए, सभी दलित वर्गों के लिए, और चाहे गरीब तबके का इंसान हो चाहे अमीर तबके का इंसान हो, कोई दुखी हो या परेशान हो, सभी के लिए सर कार्य करने में आगे रहते हैं, तो सर के बारे में आप दो शब्द कहना। नरेंद्र जी पुरोहित मेरे छोटे भाई हैं और मेरे काफी इज्जत करते हैं, और जहां तक मैं जानता हूं इनके बारे में तो बहुत ही छोटे स्तर पे और छोटे जो गंदे इलाके हैं और वहां जो मंदिर बने हुए हैं, इनके साथ में भी एक दो बार मेरा भी काम पड़ा है, बोले नहीं आप भाई साहब मेरे को चलो, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, और वैसी जगह मैं जा भी नहीं सकता जो गंदगी भरी एरिया होती है, और निम्न तबके के लोग जो हिंदू से रिलेशन रखते हैं वहाँ इनको जो आदर सत्कार मिला है, तो वो मेरे को भी नहीं पता था कि ये हिंदू धर्म के प्रति इतने उत्साहित है और छोटे लोगों को साथ लेके चलते हैं, ये मैंने आंखों से देखा है। तो उस दिन मेरे को बहुत ही ऐसे गर्व हुआ कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अपने हिंदू समाज के लिए काफी भाग दौड़ कर रहे हैं, और उनका छोटे लोग के तबके का इनको बहुत ही स्नेह प्राप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नरेंद्र सर आपको भी बहुत 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 धन्यवाद, आपका अनुराधा शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत आभार, आपके आवाज न्यूज 24 का भी बहुत बहुत आभार, आपका चैनल बहुत आगे बढ़े, आप भी उसमें अपनी भूमिका बहुत आगे तक निभाए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।